आज हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना हमें क्या करना, 7 5/6 प्लस 1 3/4 माइनस 1 1/2, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना। तो हमारे पास ये तो ये मिक्स फ्रैक्शन में सारे, तो हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कहें। तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 6 होल नंबर, ये होल नंबर है 7 + 5 हो जाएगा। तो 6 7 जाए कितना होता है 42, और 5 कितना हो जाएगा, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47/6 हो जाएगा पहला। दूसरा ये मल्टीप्लाई 4 1 4 और 3, 4 1 4 और 3 7/4 हो जाएगा। ये माइनस है, ये भी 2 1 2 और 1 3, तो 3/2। अब हम देख रहे 6 4 और 2, अब हम इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या 6 4 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, अब फिर 2 से 3 में नहीं आता 1, ये 3। 2 2 4 4 3 12, अब हमारा एलसीएम 12 आ गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तीनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, अब से इसका टेबल बोलो 12 तक, 6 2 12, 2 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा, 6 का टेबल 12 तक बोलना, 2 टाइम इंटू 47 प्लस है तो प्लस, 4 की टेबल 12 तक बोलो 3 टाइम जाते, 4 3 जा इंटू ये वाला 7, माइनस है 2 की टेबल 12 तक 6 × 3 ये वाला 3। अब देखो 47, 7 2 14, 4 2 8, 1 3 9, 94 हो जाएगा। अब 7 3 21 और माइनस 18, 6 3 18 अपॉन 12। आप पहले इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि प्लस होता है कितना, 4 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 9 2 11, 115, ये 28 अपॉन ये। अब इसको माइनस कर देंगे, 115 माइनस 18, 15 में से 8 गए कितना बचेगा 7। ओके, 15 में 8 गए 7, यहाँ बचा 0 क्योंकि 1 यहाँ चला गया, 15 हो गए, और 10 में 7 गया 9, तो हमारा कितना आया 97 अपॉन 21, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके okay?